हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मेरे रेसिपीज़ का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, हानी की रसोई से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी आज की रेसिपी फिर से आपके बच्चों के लिए है। बच्चों को चॉकलेट्स बहुत पसंद होते हैं, इसलिए आपके बच्चों के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स मार्शमेलो से बनाए हुए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ जो उन्हें बहुत पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। मार्शमेलो चॉकलेट बार बनाने के लिए हमने मार्शमेलो लिए हैं जिन्हें इस तरह के छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक कप मैंने डार्क चॉकलेट लिया है जिसे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और इसके अलावा जो मैंने लिए हैं वो रोस्टेड आमंड्स हैं, बादाम हैं जिन्हें मैंने रोस्ट कर लिया है, काजू हैं, पिस्ता हैं और अखरोट है जिन्हें दरदरा हमने कूट लिया है। और इस तरह का एक डिश चाहिएगा और क्लिंग रैप हमें चाहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चॉकलेट मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव किया है। आप चाहें तो गैस पे डबल बॉयलर में अपना चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब तक हमारा चॉकलेट मेल्ट होता है तब तक हम अपनी डिश को रेडी कर लेते हैं। अपनी डिश को हम क्लिंग रैप से पूरी तरह से कवर कर लेंगे और इसमें हमें अपने जो मार्शमेलोज हैं वो लेयर करने हैं। अब हमारी जो तैयार डिश है जो हमने क्लिंग रैप लगा के रेडी की है उसमें हम मार्शमेलो के पीसेस डालेंगे और एक मार्शमेलो की अच्छी सी एक लेयर बना लेंगे जिसके ऊपर हम अपना चॉकलेट पोर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट बिल्कुल रेडी है मेल्ट होके। अब तैयार चॉकलेट को हम अपने मार्शमेलोज के ऊपर अच्छे से मार्शमेलोज को कवर करते हुए पोर करेंगे। ध्यान रहे हमें मार्शमेलोज को कम्प्लीटली पूरा कवर करना है। अगर आपको चॉकलेट कम लगती है तो आप थोड़ी सी चॉकलेट और मेल्ट करके इसमें डाल दें। देखिए फ्रेंड्स, चॉकलेट से अच्छे से हमने कवर कर दिया है अपने मार्शमेलोज को। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं वो सारे ड्राई फ्रूट्स इस पर अच्छे से हम लेयर करेंगे, बहुत अच्छे से कवर कर देंगे चॉकलेट को। और इसे 3 से 4 मिनट तक फ्रीजर में हम सेट होने के लिए रखेंगे। जैसे ही सेट हो जाता है आप मनचाहे आकार में से काट सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा चॉकलेट एकदम सेट होकर रेडी है। अब हम इसे पहले अपना जो डिश है इसमें से निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसे जैसा भी आपको चाहिए आप उस पीसेज में उस अकॉर्डिंग इसको कट करें। फ्रेंड्स, आपको इसे बहुत ध्यान से डीमोल्ड करना है ताकि हमारे बार टूटे ना। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, बैक से कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है, कितने अच्छे कलर्स इस पे से देख रहे हैं। आई एम श्योर ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। मेरी बेटी को तो ये बहुत पसंद आया था। चलिए फ्रेंड्स, हम इसे कट कर लेते हैं। एक शार्प नाइफ की हेल्प से आप इसे कट करें। थोड़ी सी मेहनत इस पे आपको ज़रूर लगेगी बट कहते हैं ना, मेहनत का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ही टेस्टी और यमी सा ये बना है और मेरी बेटी तो मतलब वेट कर रही है जस्ट इसको खाने का। और आप चाहें तो आप इसी तरह के बार्स में से रख सकते हैं, आप चाहें तो और भी छोटे पीसेस में से कट कर सकते हैं। जैसा भी आप इसे पसंद करें आप उस अकॉर्डिंग इसको कट करें। आप किसी को गिफ्टिंग करना चाहें तो गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा होता है और मेरे घर में तो बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे चॉकलेट मार्शमेलो बार बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको और आपके बच्चों को ये ज़रूर पसंद आएंगे, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इन्हें झटपट बनाएं और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये कैसे लगे। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। आगे भी मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।